मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, यूं तो आपने यह कहावत कईयों बार सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, यह उन पर बिल्कुल ही सटीक बैठती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की जानी मानी लग्जरी सुपरकार कंपनी लैम्बोर्गिनी की, जिसका निर्माण फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने साल 1963 में की थी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस कंपनी का निर्माण ही लैम्बोर्गिनी के मालिक ने फेरारी कंपनी के मालिक से बदला लेने के लिए किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए हम पूरी स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1916 से, जब इटली के एक छोटे से शहर में फारुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार की देखभाल करते थे। लैम्बोर्गिनी का शुरू से ही इंजन्स या फिर कह लीजिए कि मैकेनिकल पार्ट्स में काफी दिलचस्पी थी। इसके अलावा उन्हें कार का भी खूब शौक था, और अपने रुचि को एक नई राह देने के लिए आगे चलकर लैम्बोर्गिनी ने इसी क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की, और फिर पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने इटालियन रॉयल एयरफोर्स में कदम रखा, जहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वार में एक मैकेनिक के तौर पर काम किया, और फिर वर्ल्ड वार खत्म हो जाने के बाद उन्होंने पीवडी सेंटो नाम की जगह पर एक छोटा सा गैराज खोला और गाड़ियों के इंजन की रिपेयरिंग करने लगे। तब तक उन्होंने अपनी फिएट टॉप लिनो नाम की एक गाड़ी भी ले ली थी, जिसे वे खाली समय में मॉडिफाई करते रहते थे, और उसी गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, और फिर उन्होंने सेना के इंजन को खरीद कर उनसे ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। लैम्बोर्गिनी का यह आइडिया बहुत ही जल्द काम कर गया, क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां के लोगों ने कृषि पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था, और फिर ट्रैक्टर्स के हाई डिमांड के चलते 1948 में उनके द्वारा खोली गई कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी कुछ ही समय में इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों में से एक बन गई। दोस्तों, अब तक आप सोच रहे होंगे कि लैम्बोर्गिनी तो लग्जरी सुपरकार और स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है, लेकिन स्वप्निल ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार लैम्बोर्गिनी एक कार निर्माता कंपनी कैसे बनी। दोस्तों, अब चूंकि फारुशियो लैम्बोर्गिनी की कंपनी एक सफल ट्रैक्टर कंपनियों में से एक थी, और अब उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए उस जमाने की मशहूर स्पोर्ट्स कार फेरारी 250 खरीदी। लेकिन कुछ समय तक उस कार को यूज करने के बाद लैम्बोर्गिनी को उसके क्लच में थोड़ी प्रॉब्लम लगी, और फिर वे कहीं और शिकायत करने की जगह सीधा फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी के पास चले गए और उनको अपनी समस्या बताई। एंजो फेरारी को लैम्बोर्गिनी का यह कदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और फिर उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फेरारी हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बेइज्जती ने लैम्बोर्गिनी को अंदर तक हिला दिया। अरे भाई, बचपन से ही कार के दीवाने किसी भी शख्स को अगर यह बात बोल दी जाए तो बुरा लगना तो लाजमी है। लेकिन दोस्तों, लैम्बोर्गिनी को इतना ज्यादा बुरा लग गया कि उन्होंने अपनी खुद की कार कंपनी खोलने का फैसला किया, इस जिद में कि वे फेरारी को तो पीछे छोड़कर ही रहेंगे। लैम्बोर्गिनी ने एक छोटे से शहर सेंट अगाटा में एक ऑटो फैक्ट्री खोली, और उसमें उन्होंने फेरारी के 3 पुराने एम्प्लॉयज को हायर किया, जिसके बाद 1963 में उन्होंने इस कंपनी को लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के नाम से रजिस्टर कराई, और फिर लैम्बोर्गिनी का पहला कार लैम्बोर्गिनी 350 GT 1964 में लॉन्च किया गया। लेकिन लैम्बोर्गिनी की कार दुनिया की नजरों में तब आई जब 1966 में लैम्बोर्गिनी म्यूरा स्पोर्ट्स कार लॉन्च की गई, जिसे उसकी हाई परफॉर्मेंस और अलग टेक्नोलॉजी की वजह से काफी पसंद किया गया। बस फिर क्या था, यहां से लैम्बोर्गिनी और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज के समय में लैम्बोर्गिनी की गाड़ी खरीदना हर कार प्रेमी का सपना होता है, और लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कार आज पूरी दुनिया में अपनी तेज रफ्तार और ब्रांड नेम के लिए मशहूर है। दोस्तों, फारुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म एक बेहद ही साधारण से परिवार में हुआ, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना डाली, और दिखा दिया कि अगर आप में जज्बा है तो इस दुनिया में असंभव
कुछ भी नहीं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।